हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज बनाते हैं पूरा चटपटा लटपटा, जो भी बोल सकते हैं, लटपटा चटपटा मसालादार एकदम चिकन, जो एक बार आप बनाएंगे ना गाइस तो आप सच बोल रहे हैं होटल से लाना भूल जाएंगे। घर में आप एक बार इस तरीके से बनाइए, तभी आपको पता चलेगा कि हम कितना गजब का बनाएं और कितना आसान तरीक़े से बनाए हैं। कोई झंझट नहीं, कोई मेरिनेट नहीं, कुछ नहीं, बस मसाला से ही भून भून के इसको बना रहे हैं। तो आप एक बार ज़रूर से बनाइए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर से लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आप तक तुरंत पहुँच जाए। चलिए देख लेते हैं एकदम चटपटा लटपटा चिकन। पूरा तीखा बना है, एकदम बढ़िया, एकदम मुंह में पानी आ जाएगा गाइस। चलिए इसी का ही रेसिपी का देख लेते हैं। गरम मसाला को डाल दिए हैं, दो मीडियम साइज का प्याज को डाल दिए। अब इसको बढ़िया से भूनेंगे। प्याज लगभग फ्राई हो चुका है, अब इसमें हम लोग कश्मीरी रेड चिली पाउडर को डाल देते हैं ताकि कलर बढ़िया आए। तेल में डालने से कलर बहुत अच्छा आता है, तो इसीलिए तेल में डाल रहे हैं। अब इसमें हल्दी पाउडर को भी डाल देते हैं और इसको अच्छा से मिला लेते हैं। देखिए कलर कितना बढ़िया आया। अब प्याज में ही चिकन को डाल देते हैं हम। यहाँ पर देखिए बड़ा बड़ा पीस करके काट के लेके आए। सारे चिकन को हम लोग डाल देते हैं। अब इसको अच्छा से मिलाते हैं और प्याज के साथ में तेल छोड़ने तक हम लोग चिकन को भूनेंगे। चिकन का भुनाई करते करते हम यहाँ पर मसाला भी कर लिए हैं। यहाँ पर ही हम तीन प्याज और दो गांठ लहसुन और डेढ़ इंच अदरक और चार पांच हरी मिर्च और दो टमाटर को यहाँ पर ही ग्राइंडिंग कर दिए हैं ये मसाला में। तो इसको हम बाद में डालेंगे, अभी नहीं। चिकन बढ़िया से भून जाए फिर इसको डालेंगे। चिकन को हम 4 से 5 मिनट भूनने के बाद अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक को डाल देते हैं। पहले से नमक डालने से राइस पूरा गल जाता है चिकन जो है, इसीलिए हम बाद में डाल रहे हैं। यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक को डाल दिए। अब इसको फिर से 1 मिनट के लिए अच्छा से नमक डालने के बाद इसको भूनेंगे। हम यहाँ पर ही 750 चिकन लिए हैं, आप अपना हिसाब से लीजिएगा, कितना आपका घर का मेंबर है उसी हिसाब से। 1 मिनट बढ़िया से भूनने के बाद यहाँ पर ही हम मसाला ले लिए हैं। देखिए यहाँ पर ही 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1.5 टीस्पून हम यहाँ पर ही चिकन मसाला को ले लिए। ये चिकन मसाला है और वहाँ पर ही धनिया पाउडर जीरा पाउडर, तो ये सबको हम लोग डाल देते हैं इसमें।
और इसको इसी के साथ में मसाला को भुनाई करेंगे। एक से डेढ़ मिनट तक हम लोग भून लेंगे। अब इसमें हम लोग प्याज अदरक लहसुन हरी मिर्च का जो पेस्ट बनाए थे उसको डाल देते हैं। और जो जार में बचा है थोड़ा सा उसमें पानी डाल के डाल देंगे। अब प्याज अदरक लहसुन का बढ़िया से भुनाई करेंगे। यहाँ पर ही हम लोग सिर्फ लो टू मीडियम में गैस रख के इसका भुनाई करेंगे। धीमी आंच में जितना बढ़िया चिकन हो बनेगा ना गाइस, आप सोच नहीं सकते। यहाँ देखिए गाइस, चिकन बन के पूरा तैयार है। ऊपर से हम लोग फ्रेश धनिया पत्ता को डाल देते हैं। आप चाहें तो गरम मसाला भी डाल सकते हैं, क्योंकि हम तो गरम मसाला पहले से ही डाले हुए हैं इसीलिए और नहीं डाले। हम लोग उनका पूरा पूरी तैयार है चिकन लटपट। आप एक बार ज़रूर से बनाइए। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आप तक तुरंत पहुंच जाए। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक बार ज़रूर से बनाइए, होटल जाना कंपलसरी भूल जाएंगे। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ गाइस, एंड जय जगन्नाथ।